व्यक्ति आम तौर पर अपने जीवन में तरक्की, धन की स्थिति, नौकरी में प्रमोशन, विवाह, संतान सुख, स्वास्थ्य जैसी बातें जिज्ञासावश जानने की कोशिश करता है। हम अपनी हथेली को देखकर इसका पता लगा सकते हैं। ये बताना जो है बहुत हद तक संभव हो जाता है। अगर दोस्तों हम अपनी हथेली को गौर से देखें तो हमको इस हथेली में अपनी जीवन का जो हाल है ना, वो नज़र आ जाएगा। दोस्तों मैं आज आपको एक्चुअल हथेली कागज़ पे नहीं बताऊंगा और न तो किसी कार्टून पे बताऊंगा, आपको एक्चुअल हथेली मैं लेके आया हूँ। कुछ चुनिंदा हथेलियाँ और उसमें जो लक्षण हैं, जो आकृति बनी हुई हैं, जो चिन्ह हैं और जो रेखाएं हैं, जिससे 2020 जो हमारा आने वाला साल है आपके लिए क्या लेके आ रहा है आपको खुद पता चल जाएगा। इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपनी हथेली पे इन चिन्हों को मिलाते जाइएगा। दूसरी बात, सबसे अहम बात है कि अगर आप पुरुष हैं तो अपने दाहिने हाथ को और अगर आप महिलाएं हैं तो अपने बाएं हाथ का अध्ययन करेंगे, मिलाते जाएंगे। तीन हथेलियों को चुना है, उसमें बनने वाले योगों के बारे में आपको मैं विस्तार से बताने जा रहा हूँ। कुछ ना कुछ अगर आपकी हथेली में है दोषपूर्ण है तो उसका उपाय कर लीजिएगा, जिससे 2020 में जो है आपको अपनी मन इच्छा की पूर्ति हो, धन के मामले में आप जो है बहुत अच्छा रहें। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है, साथ ही घंटी का एक आइकन आएगा उसको भी दबाना है, सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए, और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। आगे आप वीडियो की भावनाओं में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। देखिए, जब हम धन संपत्ति की बात करते हैं ना, तो ये आप रेखा देख रहे हैं जो इनके हाथ में है, इसको कहते हैं भाग्य रेखा। ये मुख्य रेखा होती है, जिस तरह से ये लंबी है भाग्य रेखा, ये लंबी होना जीवन में प्रगति की निशानी है। और भाग्य रेखा पे कहीं पे त्रिकोण बन जाए तो 100% अचल संपत्ति का लाभ मिलता है। भाग्य रेखा से एक शाखा जो है गुरु की तरफ चली जाए तो ऐसा व्यक्ति उच्च पद तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, समाज में सम्मान पाता है, सफलता के उच्च शिखर को छूता है। और आप देख रहे होंगे, एक अगर कैमरा में दिख रहा ठीक है ना, तो मैं इससे बना के आपको दिखा दूँ, एक पत्ती नुमा चिन्ह है। जिस भी हाथ में ये पत्ती नुमा चिन्ह होता है वो जातक न्यायप्रिय, अनुशासित, दयालु एवं रहस्यमय विद्याओं का ज्ञाता होता है। और आप देख रहे होंगे इनका बृहस्पति भी बहुत पुष्ट अवस्था में है, बहुत सुंदर अवस्था में है। तो जो ये धन रेखा है इनकी, इस पे बृहस्पति के गुण आ रहे हैं, बृहस्पति इनमें बैठा हुआ है। तो आप देखिएगा, शिक्षा, ज्योतिष, प्रबंधन, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्र में रिसर्च करेंगे वो सफलता प्राप्त करेंगे। प्रसिद्धि के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि इनको मिलेगी, मान सम्मान पाएंगे। और दूसरी बात है, धन निरंतर आएगा। धन की रेखाओं से बृहस्पति सीधा संबंध बना रहा है। देखिए दोस्तों, बृहस्पति हमारे ग्रह में एक ऐसा ग्रह है हमारे ज्योतिष में जो ज्योतिष में सबसे महान माना जाता है, यानी सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली माना जाता है। जब ये ग्रह ताकतवर हो, पुष्ट अवस्था में हो, हथेली में सुंदर अवस्था में हो जैसे इनकी हथेली में है, और कुछ अच्छी रेखाएं जैसे ये भाग्य रेखा बहुत सुंदर अवस्था में है, ये इसकी ब्रांच बहुत सुंदर अवस्था में है हथेली में हो, तो बृहस्पति जीवन काल में राजयोग देता है। ज्योतिष में बृहस्पति को गुरु मानते हैं,
समझाने समझने का सलाह देने वाला जो ग्रह है वो बृहस्पति को माना जाता है। बृहस्पति के पास जो चीज होती है वह है पीला रंग। पीले रंग का मालिक है बृहस्पति। स्वर्ण यानी सोने का मालिक है बृहस्पति। वित्त यानी फाइनेंस का मालिक है। कोष टर्जरी का मालिक। कानून लो का। धर्म यानी रिलीजन का। ज्ञान मंत्र और संस्कार, ये जो तमाम चीज़ें हैं बृहस्पति से व्यक्ति को मिलती हैं। आपका जो पाचन तंत्र है ये भी बृहस्पति का है। आपकी जो मैदा है, आप मोटे होंगे पतले होंगे दुबले होंगे कैसे होंगे ये बात भी बृहस्पति बताता है। और आपकी उम्र की अवधि कितनी होगी ये भी हमारे बृहस्पति बताते हैं। देखिएगा, सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें जो धन की रेखा वो बहुत सुंदर अवस्था में आ रही है, एक रेखा इधर जा रही है, तो इनको 2020 से निरंतर धन की प्राप्ति होगी। अपने हाथ में ये देख लीजिएगा कि कौन सा ग्रह उसको प्रभाव कर रहा है, तो उस क्षेत्र में जो है धन की प्राप्ति करवाएगा। दूसरा, अगर कोई रेखाएं इसको काट रही हैं तो धन तो जरूर आएगा, क्योंकि इस रेखा का मतलब है धन देना, इसका काम है। मगर नाड़ी रेखाएं या आपका राहु रेखाएं इसको काट रही हैं तो धन आएगा भी और तुरंत चला भी जाएगा, तंगी बनी रहेगी, धन टिकेगा नहीं। तो इसका एक नियम होता है, ये अपने आप ही सही नहीं होता, इसका ज्योतिषीय उपाय करने पड़ते हैं। आप हाथ में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, पैसा भी आ रहा, खूब प्रसिद्धि भी मिल रही है, मगर धन टिक नहीं रहा है, तो किसी ज्योतिष को बताइए, सुंदर और सरल उपाय कर लीजिएगा, धन स्टोर भी होगा और जो है मालामाल आप बन जाएंगे। अब हम दूसरी हथेली की तरफ चलते हैं, रियल हथेली है, उसको भी देख लीजिएगा। दोस्तों, लाइक नहीं किया है आपने, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम दूसरी हथेली की तरफ। दोस्तों, ये है दूसरी हथेली। हर व्यक्ति जो है अपनी हथेली में, ये आप देख रहे हो, जीवन रेखा हुआ, मस्तिष्क रेखा हुआ और हृदय रेखा हुआ और आप देखेंगे भाग्य रेखा हुआ। इन रेखाओं के अलावा धन संबंधी रेखाएं भी लेकर आता है। ये जो आप हथेली देख रहे हैं ये जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और भाग्य रेखा, इन्हीं से इनके धन की रेखा का निर्माण हो रहा है, जिस पर सीधे सीधे फिर से जो है ये बृहस्पति है गुरु जी का, आचार्य गुरु का प्रभाव पड़ रहा है। अगर हथेली में इन रेखाओं के बनने से एम नामक स्थान, ये देखो एम अक्षर की जो है जो आकृति है वो बन रही है, तो यह संकेत है, ये निश्चित टाइम बताता है कि 35 से 55 साल के बीच में ये जातक खूब धन कमाएगा और जो धन का आगमन होगा शादी के बाद बहुत ज़्यादा होगा। बृहस्पति का सीधा प्रभाव है तो विद्या वो सम्मानित क्षेत्रों से बहुत अच्छी कमाई होगी, अपना व्यवसाय होगा। अभी छोटे रूप में है, इसका कारण भी बताता हूँ मैं, ये सूर्य पर्वत है इनका, जो रेखाएं इस पे जा रही हैं बहुत अच्छी है, विपुल धन, पुत्र धन और मान सम्मान देने वाली है। मगर जो है सूर्य जो है थोड़ा कमजोर स्थिति में है। सूर्य के मजबूत होने पर तीज रूप से प्रसिद्धि मिलेगी, काम का विस्तार तेजी से होगा, धन का अर्जन जो है प्रचुर मात्रा में होगा। देखिए, आप अगर देखेंगे तो सूर्य का भी, ज्योतिष का भी प्राण है सूर्य, और हमारे भौतिक जो जगत है ना उसका भी प्राण है। सूर्य अगर ना हो तो ज्योतिष की जो गणनाएं हैं वो नहीं होंगी, और सूर्य ना हो तो इस सृष्टि पे, इस पृथ्वी पर जीवन नहीं होगा। समस्त सृष्टि की ऊर्जा और प्रकाश का जो कारक है वो सूर्य ही है। सूर्य ना हो तो हमारा जीवन अंधकार से भर जाएगा, हमारे शरीर का जो सिस्टम है ना वो बिगड़ जाएगा, पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, सृष्टि में ऊर्जा नहीं होगी
तो ज़्यादा नहीं तो 4 से 5 दिन में सृष्टि के नष्ट होने की संभावना शुरू हो जाएगी। प्रसिद्धि दिलाने वाला, धन दिलाने वाला, यश और मान सम्मान दिलाने वाला ग्रह जो है ये सूर्य ही है। विस्तार दिलाने वाला ग्रह भी ये सूर्य ही है। अतः आपको चाहिए कि अपनी हथेली में सूर्य का अध्ययन जरूर करें। और आपकी धन रेखा किस ग्रह से संबंध बना रखी है, किस ग्रह का उसमें प्रभाव पड़ रहा है, ये जरूर देखें। कभी कभी ऐसा नहीं कि एक ही ग्रह का प्रभाव पड़ता है, 2 या 3 ग्रह का भी प्रभाव पड़ता है। इसमें बृहस्पति का प्रभाव तो पड़ ही रहा है, पर आप देखेंगे तो बुध का भी सीधा सीधा तौर पर इसमें प्रभाव पड़ रहा है। तो ये नौकरी नहीं बता रहा, ये अपने काम को बता रहा है। बुध का जहाँ प्रभाव पड़ता है, बृहस्पति का जहाँ प्रभाव पड़ता है, और जो है भगवान शंकर और माँ पार्वती की जिस पे आशीष होता है, बहुत आगे तक जाता है। धन के मामले में 2020 में बहुत सुंदर रहेगा, मगर विस्तार तभी होगा जब सूर्य इनका मजबूत अवस्था में आएगा। अब हम दूसरी हथेली की तरफ जाते हैं। रियल हथेलियाँ इसलिए बता रहा हूँ कि आप ढंग से इसको समझ सकें कि किस तरह से धनयोग बनते हैं, और धनयोग कैसा, प्रचुर मात्रा वाले, तुरंत फल देने वाला, जो रेखाएं ग्रहों से संबंधित हो। अब हम जो है तीसरी हथेली की तरफ जा रहे हैं। 2-3 आपको योग उसमें बताऊंगा, फिर आप ज़रूर इस चीज़ को समझेंगे। देखिए, जब हम हथेली में धन की बात करें तो हमें 2-3 चीज़ें भी ज़रूर देखनी चाहिए। एक तो उसका व्यवहार कैसा है, दूसरा उस हाथ की रंगत कैसी है। देखिए, इनका जो नेचर है ये हार्ड वर्किंग नेचर है, अपने काम के प्रति जुझारूपन है। जब आदमी मेहनत करेगा, आप सभी को पता है, निश्चित तौर पे धन की प्राप्ति तभी होगी। हथेली में कितने भी बढ़िया चिन्ह बने हो, कैसे भी अरबपतियों के चिन्ह बने हों, अगर वो मेहनत नहीं करेगा, परिश्रम नहीं करेगा, तो धन की प्राप्ति नहीं होगी। धन को देखने के लिए हमें ग्रह भी देखने बहुत ज़रूरी हैं, केवल रेखाएं नहीं। देखिए, प्रस्तुत हथेली में जो है आप ये शुक्र का पर्वत देखें तो बहुत पुष्ट अवस्था में है। धन के लिए भौतिक सुखों का जो कारक है वह आपका शुक्र ही होता है। सुख का भी कारक होता है और धन का भी कारक होता है। दूसरा बृहस्पति बहुत पुष्ट अवस्था में है, देख रहे होंगे। तीसरा आपका सूर्य बहुत ज़्यादा पुष्ट तो नहीं है, पर बहुत अच्छा है। अगर ये पर्वत पुष्ट अवस्था में हो तो अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता है। प्रस्तुत हथेली में भौतिक सुखों का कारक शुक्र पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। जो जातक को हर कार्यों, ये जो जिस भी जातक के जो है शुक्र पर्वत जो है हथेली में पुष्ट होता है, वो हर कार्य औरों के बजाय बहुत ज़्यादा नाजुकता से और खूबसूरती से करते हैं। हालांकि जो है ऐसे लोग दयालु होते हैं, उदार दिल और खुले दिल से खर्च करने वाले भी होते हैं। शुक्र अगर इस तरह से खूबसूरत हो तो आपके पास ग्लैमर जरूर होगा, चमक होगी, नाम होगा, यश होगा, चकाचौन रहेंगे, शानदार व्यक्तित्व जिसको कहते हैं, बहुत सुंदर पर्सनैलिटी जिसको कहते हैं, धनी पर्सनैलिटी के मालिक। ऐसे लोग जो है बढ़िया घड़ी पहनना, बढ़िया पेन रखना, अच्छे जूते पहनना, सज धज कर रहना, जो ड्रेसिंग सेंस है ना, बहुत बढ़िया रहना, ये जो टेंडेंसी है ये शुक्र से पैदा होती है, क्योंकि यह ग्लैमर को जो है अट्रैक्ट करता है। धन के मामले में बहुत सौभाग्यशाली ऐसे लोग होते हैं जिनका जो है शुक्र बहुत अच्छा मजबूत होता है। दूसरा बृहस्पति भी बहुत अच्छा है, मान सम्मान भी रखेगा। तीसरा प्रसिद्धि मिलेगी। तो अगर ये 3 पर्वत, ये 3 ग्रह आपकी हथेली में पुष्ट अवस्था में हैं तो बहुत सुंदर रहेगा। दूसरा आप देखोगे ये व्यापार की जो रेखा जा रही है बहुत सुंदर जा रही है। उत्तम स्वास्थ्य के साथ साथ उच्च कोटि के बिजनेस माइंड भी ये होंगे। आप देखोगे
ये भाग्य रेखा बहुत सुंदर स्थिति में जा रही है और ये जो है माइंड लाइन जाके एक त्रिकोण बना रही है राहु पर्वत पर। तो ऐसा जो जातक होता है शेयर से सट्टा से अचानक बहुत बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति करता है और इसका जो बिजनेस माइंड होता है वो इसी जुगाड़ में लगा रहता है कि धन कहाँ से आए। दूसरी बात आप देखोगे इनका जो जीवन रेखा है और जो मस्तिष्क रेखा उसके बीच में भी काफ़ी जो है रिक्त स्थान है। तो ऐसे लोग अपने मन के मालिक होते हैं, किसी के आधिपत्य में किसी के अंडर में जो है काम नहीं करते हैं, स्वयं ये दूसरों को अपने अंडर में रखते हैं और स्वतंत्र विचारों के होते हैं। बृहस्पति बहुत अच्छा है तो स्वयं भी उन्नति करेंगे, जो इनके संसर्ग में आएगा उनको भी जो है उन्नति करने में सहायक होंगे। एक चीज और बता दूं, बंद से सीधी रेखा निकलकर, जैसे इस हाथ में आप देख रहे हैं मणिबंध से सीधी रेखा निकल रही है और ये जो है अपने भाग्य स्थान पर शनि पर जा रही है। उन्हें धन लाभ अपने आप अचानक ही मिलता रहता है। ऐसे व्यक्ति पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों से धनवान बनते हैं। इनकी सफलता में इनकी मेहनत से अधिक भाग्य का हाथ होता है। दोस्तों, रियल हैंड दिखाने की कोशिश की है, रियल रेखाएं दिखाने की कोशिश की है, रियल जो है जो इसमें ग्रह हैं उनको दिखाने की कोशिश की है। बहुत सारी हथेलियाँ थीं, उनसे परमिशन नहीं मिली इसलिए नहीं दिखा पाया, केवल 3 हथेली दिखाई हैं आपको। कुछ हथेलियाँ ऐसी थी कि जीवन भर संघर्ष ही रहेगा, कुछ हथेली इनसे भी बेहतर थी कि जो है तुरंत लाभ मिलेगा उनसे और बहुत अच्छे करोड़ों में अरबों में उनकी जो कमाई होगी अर्निंग होगी वो होगी। फिर भी ये बहुत सौभाग्यशाली हथेली थी 3, इनको मैंने दिखाने की कोशिश की, एक एक चीज़ समझाने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।